तो मिथुन लगन को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी। मिथुन लगन के विभिन्न भावों में जब भी बृहस्पति स्थित होते हैं तो बृहस्पति की महादशा में आपको क्या कुछ मिल सकता है, कौन कौन से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं और आपकी बृहस्पति की महादशा कैसी रहेगी ओवरऑल। तो यहाँ पे अब तक हम जो चर्चा किए हैं आठवें भाव तक लगभग हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव के बारे में। नवम भाव यानी कुंभ राशि में अगर आपके बृहस्पति स्थित हैं नवम भाव में तो ऐसे में महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति सेवंथ लॉर्ड बनते हैं और टेंथ हाउस के भी वो स्वामी हैं, जबकि अब वो अगर नवम भाव में स्थित हैं तो यहाँ पर नवम भाव में वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको शनि को भी एक बार चेक कर लेना जरूरी है, क्योंकि शनि यहाँ बृहस्पति के डिस्पोजिटर बनते हैं। तो शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अब बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी बृहस्पति की महादशा अगर आती है तो बृहस्पति यहाँ पर अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए आपके नवम भाव में। अगर बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित हैं, जैसे कि चंद्रमा के साथ हैं, सूर्य के साथ स्थित हैं, या फिर और भी किसी ग्रह के साथ स्थित हो सकते हैं, मंगल के साथ स्थित हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर आपको उस ग्रह को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नवम भाव में बृहस्पति होते हुए ज़्यादातर ऐसा बृहस्पति आपको फॉरेन के कनेक्शन के थ्रू लाभ देगा, आपको एक अच्छी कम्युनिटी बनाने में सहायता करेगा, लोगों से ज़्यादा जुड़ने में आपकी सहायता करेगा। इसके साथ साथ आपका कोई भी ऐसा बिजनेस हो जिसमें आप लगातार या तो विदेश यात्रा कर रहे हैं या आप विदेश में ही जा रहे हैं बार बार और वहीं सेटल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, या सेटलमेंट के लिए भी आप विचार कर सकते हैं ज़रूर। इसके साथ ही आप अपने कैरियर पर्पज़ से कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या कैरियर पर्पज़ से विदेश यात्रा करते हैं तो बृहस्पति अपनी महादशा में आपको ये भी दे सकता है। बृहस्पति क्योंकि सातवें भाव के स्वामी हैं तो अब इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि बृहस्पति की महादशा में आपके मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बृहस्पति क्योंकि भाग्य स्थान में होने की वजह से अब आपको मुख्य रूप से सातवें भाव और आपके दसवें भाव से संबंधित जो काम है उनको बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकेगी। तो अब यहाँ आप भाग्य से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बृहस्पति अगर वक्री हुए तो आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो बृहस्पति की स्थिति अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है तो उसको आपको अवश्य चेक कर लेना है। दृष्टि संबंध भी हो सकता है या फिर युति भी हो सकती है। तो यहाँ का जो बृहस्पति रहेगा मुख्य रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ेगा और नॉलेज शेयर करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा बृहस्पति आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही हर किसी काम के लिए आपको बृहस्पति लक का साथ दिलाएंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आपके पिता के साथ आपके थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना रहेगी। आपको लाइफ में बृहस्पति की महादशा के दौरान अच्छे गुरु मिल सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, जो आपको काफ़ी अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की महादशा में आप अपने रिश्तों को लेकर, विशेषकर विवाह वगैरह को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और करियर को लेकर मुख्य रूप से अगर प्लानिंग करते हैं तो लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि करियर के मामलों में बृहस्पति आपकी समझ को बढ़ाने वाले होंगे। बृहस्पति आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और बृहस्पति की महादशा के दौरान एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति हमें लगातार होती रहती है जो हमें गाइड करती है। जहाँ भी हम गलत होते हैं वहाँ हमें गलत का एहसास कराती है और जहाँ हम सही होते हैं, जहाँ हमें लगातार आगे बढ़ना रहता है वहाँ हम यही एहसास कराती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने में, साधना वगैरह करने में, कोई भी मंत्र जाप वगैरह में, किसी भी प्रकार की ऐसी धार्मिक या आध्यात्मिक क्रिया में अगर इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए बृहस्पति की महादशा फिर और ज़्यादा अच्छी होगी। बृहस्पति की महादशा में हो सकता है थोड़ा आपको कामों में डिले ज़रूर हो या थोड़ा सा आपको लेट रिजल्ट मिले कभी कभी। इसके साथ साथ मुख्य रूप से लोगों की ये भी शिकायत रहती है क्योंकि आप पहले राहु की महादशा के अंतर्गत होते हैं और बाद में आपको गुरु की महादशा आ जाती है। तो गुरु की ये जो महादशा रहेगी उसमें शुरुआत में परिणाम बहुत ही ज़्यादा स्लो रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके चार्ट में हो सकता है कि राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्थिति में बैठे हों और गुरु थोड़े बहुत कमज़ोर स्थिति में अगर बैठे हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये सब चेक करना पड़ेगा और फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपको महादशा कौन से एज में आ रही है, आप कितना काबिल हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपके पास कितनी क्षमता है, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने एबल हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो बृहस्पति यहाँ ये दिखाते हैं कि आप हालांकि लक का बहुत ज़्यादा साथ लेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान, लेकिन मुख्य रूप से बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, विवेक को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धिमता को रिप्रेजेंट करते हैं और आध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको वास्तव में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बृहस्पति से मिलेंगी उनकी महादशा के दौरान। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान अब इस बात की बहुत अधिक संभावना बढ़ गई है कि आपके
समझ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी लाइफ को लेकर। लाइफ में भले ही आप आर्थिक रूप से कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, करियर पर्पज से कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, या किसी भी प्रकार का आप अपनी लाइफ में निर्णय ले रहे हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति आपको एक अलग प्रकार के लेवल पर लेकर जाते हैं। बृहस्पति की महादशा में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम स्थितियाँ देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। आप करियर में भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप हमेशा ऑप्टिमम लेवल का सोचेंगे। आप रिलेशनशिप वगैरह को लेकर या अपने जो संबंध हैं आपका, अगर बिजनेस वगैरह है, तो भी आपको हमेशा ऑप्टिमम लेवल का सोच देखने को मिलेगा अपने मन के अंदर। अब आपके लग्न में कोई भी ग्रह अगर स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वास्तव में आपकी मेंटलिटी और आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है उसको काफ़ी ज़्यादा बदल लेते हैं। बृहस्पति की महादशा में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देखने को मिलेगी। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने राहु की दशा में कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देखे हों पहले, लेकिन बृहस्पति की महादशा आने के बाद आप हमेशा किसी भी काम को बहुत सही तरीके से करने के बारे में सोचेंगे, किसी भी काम में अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, ईमानदार रहेंगे अपने काम के प्रति और कभी भी काम चोरी नहीं करेंगे, तो इससे आपके सफल होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, पर ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि में बृहस्पति बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। अगर शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हुए तो यहाँ बृहस्पति आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति यहाँ से सबसे पहले तो आपके लग्न पर ही दृष्टि डालेंगे। लग्न आपका बुध का लग्न है, ऐसे में आपका बुध का लग्न होने की वजह से यहाँ आपको बृहस्पति अतिरिक्त समझ और ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बुध के द्वारा शासित होते हैं या बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आप में वो गुण हैं सारे के सारे जो वास्तव में आपको बृहस्पति भी देना चाहते हैं। तो आप में ज्ञान की वृद्धि, एक अच्छी समझ की वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा मैच्योर बनेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय बहुत ही सटीकता के साथ आप ले सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी काम में आपके कोई बहुत बड़ा व्यवधान आया हो, कोई भी काम आपका बहुत ज़्यादा रुका हुआ हो जिसमें अब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई आगे रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे कामों में आप जरूर इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे। तो लगभग आपका प्रत्येक वो कार्य बनेगा जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ रुकी हुई है। बृहस्पति का लग्न को देखा जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड दिखाते हैं, आपको रेस्पेक्ट के मामले में या मान सम्मान के मामले में बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में आपको प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए बृहस्पति यहाँ सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही ये बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी या तो विदेश यात्रा हो सकती है या कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा, जिसमें आप मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा सुकून प्राप्त करेंगे, लेकिन आप बहुत ही किसी अपने पर्पज़ के लिए यात्रा करेंगे। ऐसे घूमने फिरने के लिए या आनंद लेने के लिए यात्रा कभी नहीं करेंगे। बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाते हैं कुछ भी नया सीखने, पढ़ने लिखने के प्रति। ऐसे में आपका कम्युनिकेशन भी बृहस्पति बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी रहती है। ऐसे में बृहस्पति की इस महादशा का आपका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा लेकिन कि आपको बृहस्पति की महादशा किस एज में आ रही है, आप उस समय कितने ज़्यादा सक्षम है बृहस्पति की महादशा का फ़ायदा उठाने के लिए। तो बृहस्पति की ये जो महादशा है, क्योंकि बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए बृहस्पति आपकी समझ को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी देंगे। मैच्योरिटी देने की वजह से आप जीवन में हर प्रकार की समस्या को भोगने में सक्षम होंगे, हर प्रकार की समस्या या परेशानी का सामना करने में सक्षम होंगे, जिससे आपको हमेशा जीवन के प्रति एक अलग नज़रिया मिलेगा, एक अलग प्रकार की सोच देखने को मिलेगी। बृहस्पति की उसके बाद दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरे भाव पर बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो यहाँ सिंह राशि है, सिंह राशि यानी इनके परम मित्र सूर्य की राशि है, तो निश्चित ही आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप ज़्यादा पीछे भागेंगे नॉलेज के या सूचना कलेक्ट करने के पीछे भागेंगे कहीं ना कहीं। तो ये आपको एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा। आप कोई आध्यात्मिक काम करके या किसी को कोई एडवाइस देके भी बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये पाँच नंबर साइन है। पाँच नंबर साइन यानी काल पुरुष के हिसाब से पाँचवें भाव की राशि है, जहाँ पर हम क्रिएटिविटी को देखते हैं, जहाँ पर आपकी मानसिक क्षमता या मानसिक योग्यता को देखा जाता है और आपकी कहीं ना कहीं कुछ रुचियों को भी देखा जाता है। लेकिन यही राशि अगर तीसरे भाव में है तो मुख्य रूप से आप जिस भी काम में ज़्यादा सक्षम हैं या जिस भी काम को बहुत परफेक्टली कर सकते हैं, ऐसे कामों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ऐसा बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसी दशा में आपके लिए पढ़ना लिखना, कुछ भी नया सीखना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है।
उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपके पांचवें भाव पर। पांचवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संतान पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी। अगर आपका ऑलरेडी विवाह हो चुका है, उसके बाद अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही है, तो इस समय आप संतान प्राप्ति एक्सपेक्ट कर सकते हैं। संतान से आपको बेहद लाभ मिलेगा और संतान प्राप्ति होने के बाद आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव होगा। बृहस्पति यहाँ पर आपकी समझ को बेहतर करते हैं, आपके लव लाइफ को बेहतर करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करते हैं, और आप हमेशा एक सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकेंगे। ऐसी ऐसी क्षमता आपको बृहस्पति यहाँ देने का काम करेंगे। इसके अलावा धन के मामलों में या अपनी खुद की क्षमताओं के एहसास के मामले में बृहस्पति की महादशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति जो हैं उनकी महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये महादशा 5 से 15 साल के आयु में आ रही है। 5 से 15 साल की आयु में अगर ये दशा आ जाएगी तो ये दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी, उतना ही ज़्यादा मैच्योर बनाएगी, और आपके छोटी से छोटे काम को लेकर बड़े से बड़े काम तक आप कभी भी झिझक महसूस नहीं करेंगे। आप हमेशा खुलकर सामने आ सकेंगे, अपने ज्ञान को बहुत ही अच्छे से शेयर कर सकेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपकी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है और आप में इसी वजह से एजुकेशनल फील्ड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता भी होगी। तो ये बृहस्पति आपको आपके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने, कुछ ना कुछ नया समझाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ छोटी आयु से ही आप धर्म और आध्यात्म के बारे में जानने या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। तो बृहस्पति की महादशा बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में इस प्रकार से लेकर आने वाली। अब बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को लगभग 30 की एज या 35 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती है, तो ये समय आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस समय बृहस्पति आपको काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकते हैं। बृहस्पति आपको फिजिकली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ साथ में आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा समझदार बनाएंगे और विवेकशील बनाएंगे, जिससे आपको करियर में तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। आपके जो 10वां भाव है और आपका जो 7वां भाव है, उन दोनों भावों से संबंधित जिम्मेदारियां आप पूर्ण रूप से निभाने वाले होंगे अकेले के दम पर। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को 45 की एज या 50 की एज में आती हो, तो ये समय ज़्यादातर आपको आध्यात्मिक दुनिया में कनेक्ट करने का रहेगा, और ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा विदेश यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको फिर भी जिज्ञासु बहुत ज़्यादा बनाए रखेगा, तो आपको किसी धर्म की शिक्षा या आध्यात्म की शिक्षा आपको लेनी चाहिए। बृहस्पति की महादशा बहुत लेट एज में आने से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा नेम फेम मिलने और ज़्यादा आपका विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने की संभावना ज़रूर बनेगी। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्षमतावान बनाते हैं, तो फिर भी आप बृहस्पति की महादशा के दौरान हमेशा हार्डवर्क करना पसंद करेंगे। आप फ्री बैठकर कुछ भी प्रकार का कोई ऐसा काम करना पसंद नहीं करेंगे जहां पर आप अपने मनोरंजन के लिए कोई भी काम कर रहे हैं। तो बृहस्पति की महादशा का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति का संबंध अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ है, अन्य ग्रह के साथ युति है, दृष्टि संबंध है, किसी भी प्रकार का संबंध है भले, तो यहाँ बृहस्पति के रिजल्ट पर प्रभाव अवश्य ही पड़ सकता है। अगर बृहस्पति अस्त हैं तो अस्त होने के केस में बृहस्पति आपको और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम प्रदान कर सकेंगे। लेकिन अगर वक्री हैं तो कहीं ना कहीं अपनी समझ का, अपने विवेक का बेहतर इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि आप अपने मन में महसूस करेंगे इस दशा के दौरान।